शिवम सिंह नाम हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर की, बात करते हैं कि किस तरीके से भू माफिया जबरन भू जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने लगाया आरोप कि एसडीएम के आदेशों का पालन न करते हुए, एसडीएम के आदेशों की अवहेलना करते हुए सीओ और थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज मिली भगत से और भू माफियों का जमीन का कब्जा जबरन अवैध कब्जा करा रहे हैं। और यहीं पे बता दें कि भू माफिया रामलीला कमेटी के सदस्य होने के कारण रामलीला की जमीन पर भी और पीड़ित के जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है प्रशासन की मिली भगत, पुलिस की मिली भगत से। यहीं पर एसडीएम के आदेशानुसार जो एसडीएम का आदेश है उसकी अवहेलना की है, उसको दरकिनारे रख दिया, ताक पर रख दिया है और भू माफियों के साथ मिली भगत से जमीन का अवैध कब्जा कराया जा रहा है। अब वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पीड़ित ने अपने दर्द कैसे बयां किया है। तरह से आपकी जमीन पर अवैध तरह से निर्माण हो रहा है, विपक्षी कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, जो है प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। भैया हम दर बदर की सिर्फ ठोकर खा रहे हैं। इस जमीन की हमारे पास डिग्री भी है और 1921 का रजिस्टर रहन नामा भी है जो कि वैध तरीके से एकदम ओरिजिनल तरीके से हमारे पास कागज है, लेकिन हम थाने में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी 12/3/2020 को एसडीएम साहब के महोदय में, एसडीएम साहब के कोर्ट में हम लोगों का मुकदमा भी चला जिसमें यह आदेश पारित हुआ। देखिए आदेश हमारे हाथ में है, हाँ, यह आदेश पारित हुआ कि विपक्षी वहाँ पे रामलीला का जो टूटा फूटा हिस्सा है उसको सही कर सकते हैं, न कि वहाँ पे कोई नया निर्माण नहीं कर सकते। और कोतवाल साहब जा चुका है, वहाँ पे कोई दीवार दरवाजा नहीं लगाएंगे जिससे रामलीला मंच का प्रयोग कार्यालय, गोदाम अथवा आवास के रूप में हो सके। लेकिन मौजूदा समय में वहाँ पे पिलर भी गड़ गया, ढलैया भी हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई हमारे पक्ष में नहीं हुई। हम सीओ साहब से कहते ही रह गए, उन्होंने कहा यार जाने दो, ऐसा कुछ नहीं, तुम चाहे इधर जाओ चाहे उधर, कोई मतलब नहीं है। कोतवाली भी गए, वहाँ उस समय पंकज पांडे जी थे और उन्होंने भी मेरा कोई मदद नहीं किया। मौजूदा समय में हमें आस जगा कि नए कोतवाल साहब आए हैं दिनेश प्रकाश पांडे जी, उनके पास भी हम गए और एसडीएम साहब से मैंने 7 तारीख को मैं गया वहाँ, तो उन्होंने दोबारा आदेश किया कि एसएसको मछली शहर संलग्न आदेश दिनांक 12/3/2020 का अवलोकन करें एवं अनुपालन करें, शांति व्यवस्था कायम रखें। शांति व्यवस्था के नाम पे हम वहाँ पे गए कि सर ये देख लीजिए हमारे पास आदेश है, विपक्षी वहाँ पे गलत तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने हमें ही अंदर डाल दिया और शाम को छोड़े 154 चलान कर। उसके बाद हम इधर उधर डीएम एसपी हर जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सब कागज पूर्ति हो रही थी। अभी मैं आज 14 तारीख को एडीजी वाराणसी जोन वाराणसी गया तो वहाँ से सर ने हमें आश्वासन दिया कि बेटा कोई ज़मीन कब्जा नहीं होगा और जो भी कानून का नियम कानून है उसी हिसाब से काम होगा। अगर कोर्ट का आदेश आपके पास है तो बेटा उसी हिसाब से काम होगा। मैं अभी आपके सीओ मछली शहर श्री विजय सिंह जी को फ़ोन करता हूँ, हाँ, और आप जाओ उनसे मिल लो और आपके पक्ष में ही काम होगा। कानून को हटा करके काम नहीं होगा, कानून के हित में काम होगा, कोई गलत तरीके से कोई भी निर्माण नहीं हो पाएगा। और बेटा जाओ आपका काम हो जाएगा, जाओ मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ। मैं वहाँ पे गया लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। सीओ साहब ने बोला कि जाके आप एसडीएम से मिलो, ऐसा फिर से आदेश कराओ, ऐसा कराओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बताइए सर अगर जब कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा तो फिर एक गरीब असहाय लोग किधर जाएंगे, जब कोर्ट का ही मामला नहीं कुछ होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप बताइए। कोई उच्च अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे जी? उच्च अधिकारी सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, उसके बाद इधर उधर। लेकिन एडीजे वाराणसी ने बोला कि बेटा आपके साथ गलत नहीं होगा, जाओ मैं सीओ साहब को बोल दे रहा हूँ, आप जाके उनसे मिल लेना। लेकिन हम गए वहाँ पे, हमारा मुलाकात नहीं हो पाया, फ़ोन से वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि यार आप एसडीएम साहब के पास जाओ, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। और दिनेश प्रकाश पांडे जी जो कि मछली शहर के इस समय कोतवाल हैं वो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। विपक्षी को, विपक्षीगढ़ उनको एकदम मिला करके रामलीला के आड़ में। आप ही का बिरादर है? नहीं, बिरादरी तो उसमें कई हैं, हाँ, लेकिन सब हिंदू ही हैं, सब हिंदू ही हैं, लेकिन रामलीला के नाम पे वो हमारा ही जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो कि वो बता रहे हैं विपक्षी की हमारे दादा ने जमीन दान दिया था। अब बताइए उनके दादा ने 1913 में जमीन दान दिया, चलिए हम उन्हीं की 1 मिनट के लिए बात मानते हैं, 1913 में उन्होंने जमीन को दान दिया
और उसी जमीन के हिस्से में से उनके पिताजी ने 1983 में बैनामा कर दिया। आप ये बताइए ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? आप एक बार दान दे रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो, फिर आप मेरे ही जमीन में आप अपना जमीन नपैया करके बता रहे हो ये जमीन मेरी है। रामलीला के नाम पे क्यों इतना गलत काम किया जा रहा है, क्यों इतना गलत काम किया जा रहा है, एक असहाय को क्यों इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है? हम आप लोगों से सर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्याय मिले। नाम आपका क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेश कुमार अग्रहरी उर्फ गुड्डू है। हाँ, पुरानी बाजार मछली शहर जिला जौनपुर का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का तबीयत नहीं सही रहता, हाँ उसी में हम लोग परेशान रहते हैं और ये लोग ज़बरदस्ती हमारी जमीन